वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर हम 2.4 एन एपिटम ऑफ करेज का पार्ट टू करेंगे। इससे पहले मैंने चिट चैट करा दिया है, इंटेक क्वेश्चन हो गए हमारे और इंग्लिश वर्कशॉप के कुछ सवालात हो चुके हैं। तो अगला है सवाल 4, यहाँ होमोग्राफ है। पेयर ऑफ वर्ड दैट आर स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग और प्रोनाउंस यानी जो भी है वो सेम है, लेकिन जब हम उसका मीनिंग देखते हैं ना तो वो अलग निकलता है। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे वॉच, यहाँ पे वॉच का ऑब्जर्व हो रहा है यानी उस किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। अब यहाँ पे दूसरा वॉच है, ये क्या है, डिवाइस दैट शो टाइम। अब एक वॉच क्या कर रहा है, हमें टाइम बता रहा है ना, दोनों में फर्क हो गया। इसी तरह से दूसरे वर्ड है यहाँ पे, यूज द फॉलोइंग वर्ड इन टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो पहला है यहाँ पे कपल, कपल को पेयर भी कहते हैं, दूसरा कपल को लिंक कहते हैं। अब माइंड है, माइंड को देखिए ब्रेन कहते हैं, और दूसरा फील कंसर्न्ड अबाउट, स्पेस को एन एम्प्टी स्पेस, और स्पेस का दूसरा है द डायमेंशन ऑफ हाइट एंड डेप्थ। साउंड में हम देखेंगे वॉइस, एक साउंड कह रहे हैं वॉइस और दूसरा साउंड है बेल्टर। अब लेफ्ट में हम देखेंगे ये लेफ्ट साइड, और लेफ्ट यानि गॉन यानि चला गया। अब इन योर नोटबुक मेक पेयर ऑफ सेंटेंस विथ एनी थ्री ऑफ द अबो होमोग्राफ। अभी हमें यहाँ पे जो होमोग्राफ दिए गए हैं इनमें से तीन पे हमें क्या करना है, जुमले बनाना है। तो हमने यहाँ पे बनाया है कपल का, द बोलर मैनेज टू टेक अ कपल ऑफ विकेट्स, यानी दो विकेट एक साथ लेने को भी कपल ऑफ विकेट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे कपल का मतलब आपको समझा, द एल्डरली कपल वॉज टेकिंग अ वॉक इन द पार्क। अब दो जो है बुजुर्ग जो है वो एल्डरली कपल है, यानी जो थोड़े उम्र वाले हैं लोग क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। तो ये कपल क्या हो गया, एक हस्बैंड वाइफ का जोड़ा भी हो सकता है, मेल फीमेल का जोड़ा भी हो सकता है, ये कपल। अब माइंड के लिए हम देखेंगे दो जुमले, देयर वेर मेनी थॉट्स इन हीज माइंड बिफोर ही लेफ्ट हीज हाउस। जब वो अपने घर से गया तो उसके दिमाग में क्या हो रहा था, बहुत तरह की सोच से वो सोच रहा था। डू यू माइंड इफ आई पुट ऑन द फैन, आपको बुरा ना लगे तो मैं ये फैन ऑन कर लूँ। तो यहाँ पे माइंड का मतलब हो गया कि बुरा ना लगे, और दूसरा माइंड है कि वो सोच रहा है, माइंड में सोच रहा है। अगला है यहाँ पे स्पेस, स्पेस का है वी शैल मेक सम स्पेस फॉर आवर न्यू टेबल। तो नया टेबल आने वाला है तो हमें क्या करना है, घर में उसके लिए स्पेस बनाना है, जगह बनाना है उसके लिए। और मैन इज थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग अ स्पेस स्टेशन ऑन द मून। तो मैन अब क्या सोच रहा है कि स्पेस पे हम स्टेशन बनाना है, स्पेस स्टेशन किस लिए, हमें वहाँ पे उसकी थिंकिंग वहाँ तक जा रही है कि अब स्पेस में भी स्टेशन बनेगा मून पे। तो ये वो वाला स्पेस है। अब साउंड, द लाउड साउंड एट मिडनाइट स्टार्टल्ड एवरीवन। अभी देखिए आधी रात में अगर कोई चीज़ गिरती है या समझ लीजिए कि अलार्म अगर बज जाता है तो सारे लोगों की जो नींद है वो खुल जाती है। तो मिडनाइट में अगर कोई आवाज़ हो साउंड, तो उसको यहाँ स्टार्टल्ड का मतलब ही यही है कि सबको डिस्टर्ब हो जाता है, यानी थोड़ा सा जगने जैसे हो जाते हैं। सेकंड में देखिए यहाँ पे साउंड क्या हो रहा है, हिज आइडिया ऑफ सेलिब्रेटिंग बर्थडे इन अ डिफरेंट वे साउंड क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो उसने क्या किया, बर्थडे मनाने का जो एक आइडिया दिया ना, तो वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। तो यहाँ पे आइडिया यानी साउंड। अब लेफ्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेफ्ट का मतलब है गो स्ट्रेट एंड देन टर्न लेफ्ट टू रीच द स्टेशन। पहले क्या करो, आप सीधे जाओ और लेफ्ट में मुड़ो और रीच द स्टेशन, और स्टेशन पहुंच जाओगे। तो ये लेफ्ट को जाना हो गया। अब ये वाला लेफ्ट क्या करेगा, एज सुन एज ही कम्प्लीटेड हिज PhD ही लेफ्ट फॉर USA। उसने अपनी PhD कहाँ कम्प्लीट की, US जाकर। तो ये लेफ्ट जो है ये जाना। अब यहाँ पे देखिए सवाल 5, यूज द फॉलोइंग वर्ड फ्रेसेस इन योर ओन सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आपको अपने आप से जुमले बनाने हैं इस बेसिस पे। पहला है क्विक ऑफ फेथ का मतलब होता है किस्मत का खेल। तो किस्मत के खेल में देखिए क्या जुमले बनाए हैं, बाय द क्विक ऑफ फेथ ऑल द मेम्बर्स ऑफ द हैप्पी फैमिली डाइड इन एन एक्सीडेंट। मतलब किस्मत का खेल देखो, वो जो खुशहाल फैमिली थी
वो एक्सीडेंट में पूरी की पूरी डाइड हो गई। अब दूसरा सवाल है कन्फाइंड टू, यानी जुड़ जाना, किसी चीज से जुड़ जाना। अब कन्फाइंड टू का मतलब है माई नेबर कन्फाइंड टू बेड फॉर अ लॉन्ग टाइम विथ पैरालिसिस। मेरा जो पड़ोसी है वो जुड़ गया है अपने बेड यानी पलंग से, कब से? बहुत दिनों से, जब से उसको पैरालाइज हुआ है, पैरालाइज हो गया, तो यहाँ पे वो बेड से जुड़ गया है, तो जुड़ जाना। अब सी में हम देखेंगे एग्जेगरेशन। एग्जेगरेशन यानी होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो हमने इसमें जुमला बनाया है ही टोल्ड मी द स्ट्रेंज न्यूज़। उसने एक स्ट्रेंज न्यूज़, एक एकदम अजीब सी न्यूज़ मुझे सुनाई विदाउट एनी एग्जेगरेशन, बिना किसी बात को बढ़ाए चढ़ाए उसने एक स्ट्रेंज न्यूज़ मुझे दी। चौथा है यहाँ पर डी में एन एपिटम ऑफ, एक ये मिसाल है। मिसाल को हमें बताना है कि एपिटम यानी किसी चीज की मिसाल देना। द चैम्पियन क्रिकेटर इज एन एपिटम ऑफ मोडेस्टी। यहाँ पे जो क्रिकेटर है वो चैम्पियन है अपने खेल में, तो वो एक मिसाली क्रिकेटर है, यानी उसका जवाब नहीं, ऐसा कह सकते हैं। अब ई में हम देखेंगे मिलेनियम, यानी हजार साल मिलेनियम कहा जाता है। तो आई बिलीव दैट मैन विल गो टू स्टे ऑन अदर प्लैनेट्स। तो मैं ऐसा भरोसा करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि अब इंसान भी जो है दूसरे प्लैनेट पे जाके बसेंगे बिफोर द नेक्स्ट मिलेनियम, यानी हजारों साल के बाद। अब यहाँ पर देखिए छठा सवाल है एक्सपेंड द गिवन थीम। यहाँ पे एक्सपांड करना है थीम को। तो पहला इसमें सवाल है, कुछ यहाँ पे चार सवाल हैं, और इसके यहाँ पे कुछ मेक यूज ऑफ दिस अप सपोर्ट हिंट्स, यहाँ पे कुछ हिंट्स भी दिए हैं जिसकी सपोर्ट से हमें इसके यहाँ पे जवाब देने हैं। तो पहला सवाल है कि इफ़ यू फॉल इल ड्यूरिंग योर फाइनल एग्जाम, तो यहाँ पे हमें इसके पॉइंट्स लेना है। फर्स्ट स्टेप व्हाट टू डू, सपोर्ट, हेल्प। और बी में हम देखेंगे इफ़ यू मीट अ डिसेबल्ड पर्सन हु नीड हेल्प, जो एक डिसेबल पर्सन से अगर आप मिलते हैं तो उसको आप क्या मदद देंगे। तो एक्ट, बिहेव, कॉन्टेक्ट, हुम, किसी को कॉन्टेक्ट करेंगे, किसी से पहचान करेंगे। अब सी में देखेंगे इफ योर फ्रेंड इज इन ट्रबल, अगर आपका दोस्त किसी मुसीबत ट्रबल में फंस जाए तो आपको ये पॉइंट से उसके बारे में बताना है। गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, पेशेंस, टॉलरेंस। अब डी में हम देखेंगे इफ़ यू मीट अ ग्रेट पर्सन लाइक डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस, अगर आपको कोई ग्रेट पर्सनैलिटी मिलती है तो आपको ये सारे पॉइंट्स के मदद से आपको बताना है। प्लान, ऑर्गेनाइज, फेस, हैंडल, ओवरकम, सक्सीड, एकम्प्लिश। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमने पहला सवाल देखा, हमने यहाँ पे बनाया है ए में। अब यहाँ पे है फॉलिंग इल ड्यूरिंग द फाइनल एग्जाम, इफ आई फॉल इल ड्यूरिंग माई फाइनल एग्जाम आई विल फील वरीड इन द बिगिनिंग। अगर मैं एग्जाम के टाइम पे, फाइनल एग्जाम के टाइम पे बीमार पड़ता हूँ तो पहले तो मैं क्या हो जाएगा, घबरा जाऊंगा, घबरा के क्या करूंगा, बट सून आई विल कलेक्ट माई सेल्फ एंड विल फेस द प्रॉब्लम बोल्डली, लेकिन जल्दी मैं अपने आप को संभाल लूंगा, सॉरी, और अपने आप को क्या करूंगा, इस प्रॉब्लम से बोल्डली बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। डिटरमाइंडली आई विल कंटिन्यू टू अपियर फॉर द रिमेनिंग एग्जाम पेपर्स बिकॉज देर विल बी नो रीजन गेटिंग इन टू अ पैनिक अबाउट द फाइनल एग्जाम। पहले तो मैं क्या करूंगा, अगले जो हमारे पेपर बचे हुए हैं अगले एग्जाम में आने वाले, उन सभी को क्या करूंगा, वापस से देखूंगा कि ये, क्योंकि मेरे आगे के एग्जाम के लिए पैनिक ना हो जाए और मैं इसकी पूरी तरह से फाइनल एग्जाम की तैयारी करूंगा। आई ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड माय स्टडी एंड रिवाइज इट वेल बिफोर द एग्जाम। ऑलरेडी मैंने पढ़ लिया है सब कुछ, लेकिन फिर भी एग्जाम से पहले मैं क्या करूंगा, एक बार रिवाइज जरूर कर लूंगा। माई पेरेंट्स आई एम श्योर विल बी देयर टू नर्स मी वेल एंड लुक आफ्टर माई हेल्थ। मेरे जो माँ बाप हैं वो, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जहाँ पे जो मुझे वो बहुत ही मदद देंगे, आफ्टर माई हेल्थ को ध्यान देंगे, मेरी सेहत को भी ध्यान देंगे, मेडिसिन एंड माई फास्ट रिकवरी, और जो दवाइयाँ हैं वो मुझे बहुत जल्दी ठीक करने की मतलब रिकवरी देंगी। और माई फ्रेंड्स ऑल्सो विल हेल्प मी इन माई स्टडी, मेरे दोस्त भी मेरे पढ़ाई में मदद देंगे। दे विल कम्फर्ट मी एंड गिव मी कॉन्फिडेंस, वो मुझे आराम और कॉन्फिडेंस यानी हिम्मत भी देंगे साथ में। इफ़ आई फील अ लिटिल बेटर, अगर मैं थोड़ा भी बेहतर महसूस करूँगा तो आई माई सेल्फ विल कंटिन्यू माई स्टडी
फॉर द फाइनल एग्जाम, और मैं क्या करूँगा, थोड़ा भी बेहतर महसूस करूँगा तो अपनी स्टडी को क्या करूँगा, वापस से शुरू कर दूंगा फाइनल एग्जाम के लिए. सो एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, तो सब कुछ अपनी जगह ठीक हो जाएगा. अगला है यहाँ पे दूसरा सवाल, हेल्पिंग अ डिसेबल पर्सन. अगर आपको कोई डिसेबल पर्सन मिल जाए तो आप उसकी कैसे मदद करेंगे? तो मैंने यहाँ बनाया, इफ़ आई मीट अ डिसेबल पर्सन हु नीड हेल्प, अगर मुझे कोई डिसेबल पर्सन मिलता है तो मैं उसकी कैसे मदद करूँगा. आई विल ट्रीट हिम काइंडली, मैं उसको बहुत ही नरमियत से उसके साथ बिहेव करूँगा. आई शैल सिंपथेटिकली इंक्वायरी अबाउट हिज डिफ़िकल्टीज एंड हिज रिक्वायरमेंट, तो मैं उसको बहुत ही प्यार से उसकी इंक्वायरी करूँगा कि उसको कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसकी डिफ़िकल्टीज में. आई शैल विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड, और इसके लिए मैं अपने दोस्तों की भी मदद लूँगा, ट्राई टू प्रोवाइड हिम विद द थिंग ही नीड, इफ हिज नीड आर बियॉन्ड आवर रीच, वी शैल कॉन्टेक्ट द पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन हु कुड सपोर्ट हिम एंड फुलफिल हिज नीड एंड रिक्वायरमेंट. और मैं क्या करूँगा, अपने दोस्तों की भी मदद लूँगा, और हो सकेगा तो मैं ऐसी जगह भी फ़ोन करके पता करूँगा, कोई ऑर्गेनाइज़र होंगे या जिनको कांटेक्ट मेरे पास होगा, तो मैं उनसे भी उनकी उसकी मदद करने की पूरी पूरी जो भी ज़रूरत होगी उसकी कोशिश करूँगा. वी शैल कंटिन्यू आवर एफर्ट टिल ही मीट ऑल हीज एसेंशियल नीड एंड इक्विपमेंट. मैं जो हूँ आखिरी वक्त तक के उसकी इस तरह से मदद करूँगा, उसकी हर ज़रूरत को ध्यान देता रहूँगा जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए. अब हेल्पिंग अ फ्रेंड इन ट्रबल, अगर आपके दोस्त ट्रबल में फंस जाएं, कोई मुसीबत में फंस जाएं, तो क्या करेंगे? इफ़ एनी ऑफ माई फ्रेंड इज़ इन ट्रबल, अगर मेरे कोई भी दोस्त ट्रबल में फंसते हैं तो आई विल इमिडिएटली विजिट हिम एंड फाइंड आउट द नेचर ऑफ हिज ट्रबल. मैं जानने की कोशिश करूँगा कि उसे क्या हुआ है. आई शैल ट्राई टू स्पेसिफाई हिम इफ ही इज़ रियली वेरी मच इफेक्टेड, और मैं देखूंगा कि उसको क्या तकलीफ हुई है, सचमुच में वो इफेक्टेड हुआ है या यूं ही बात हो रही है. तो आई शैल कंसोल हिम इफ हिज ट्रबल इज बिकॉज ऑफ इमोशनल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि क्या सचमुच उसे कोई ऐसी तकलीफ है जिसमें उसको पैसों की भी ज़रूरत है, तो मैं उसकी भी मदद करूंगा. माई फ्रेंड्स एंड आई विल प्रोमिस हिम टू शेयर हिज प्रॉब्लम इफ ही स्पीक इट अप क्लियरली एंड फ्रीली. हम उसको प्रॉमिस करेंगे कि वो जो भी अपनी तकलीफ हमसे शेयर करेगा, हम वो किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे, इतना भी भरोसा दिलाएंगे. अ ट्रबल शेयर्ड इज अ ट्रबल हेल्प्ड, वी शैल एडवाइज हिम टू बी पेशेंट एंड टोलरेट द सिचुएशन ब्रेवली एंड करेजियसली. तो उसको क्या करेंगे, हम कोई भी उसका जो दुख दर्द होगा ना, उसे हम पहले तो बांटेंगे ताकि उसको फ्री हो जाए, और फिर उसको एडवाइस देंगे और उसको दिलासा देंगे, उसकी हर तकलीफ को समझने की और सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे. वी शैल ट्राई टू हेल्प एंड सपोर्ट आवर फ्रेंड इन एवरी पॉसिबली पॉसिबल वे, हर तरह से हम उसकी मदद की कोशिश करते रहेंगे. अब अगला है यहाँ पे, बिफोर मीटिंग सच अ ग्रेट पर्सन, अगर आपको किसी ग्रेट पर्सन पर्सनैलिटी से मिलना है तो आप उसके लिए क्या तैयारी करेंगे, यही सवाल था ना. तो बिफोर मीटिंग सच अ ग्रेट पर्सन लाइक डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस, आई विल हैव टू प्री प्लान माई विजिट एंड गेट परमिशन फॉर द विजिट फ्रॉम हिम. पहले तो मैं क्या करूँगा, अगर ऐसे शख्सियत से जो मतलब ग्रेट पर्सनैलिटी से अगर मेरी मुलाकात होनी है, तो मैं उसके लिए पहले प्री प्लान बनाऊँगा कि मुझे क्या क्या उनसे मिलने पे पूछना है, कैसे बात करना है. दूसरा है, आई मस्ट बी रेडी विथ द इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ हिस्ट्री, और मैं उनके हिस्ट्री यानी उनकी जो बारे में जो भी मालूमात है वो सब इकट्ठा करूँगा, हिज कैरेक्टरिस्टिक उनकी आदतों को, हिज एजुकेशन उनकी पढ़ाई को, हिज अचीवमेंट उन्होंने क्या क्या हासिल किया, एंड हिज डिस्प्ले ऑफ एग्जेम्पलरी कोर्स करेज करेज इन द फेस ऑफ आवर विल्मिंग ओवरवेलमिंग एड्स, जो भी उन्होंने तकलीफें उठाई, जो जिस तरह से भी उन्होंने कामयाबी हासिल की, मैं वो सारी जानकारी ले लूँगा. इट इज़ डिफिकल्ट टू फेस एंड गेट टू टॉक टू सच एन अव इंस्पायरिंग पर्सन, मतलब इसके लिए क्या है, डिफिकल्ट जो भी था उनके लिए कैसा है, जैसे मिलना मेरे लिए कैसा है, मेरा मुंह जैसे खुला का खुला रह जाता है ना, बिल्कुल वैसा माहौल हो गया उनको
मुलाकात से, बट आई नो हाउ टू हैंडल माई सेल्फ इन दिस सिचुएशन, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस सिचुएशन में मुझे कैसे हैंडल करना है। आई विल टॉक टू हिम बोल्डली एंड रिस्पेक्टफुल्ली, मैं उनसे एकदम खुल के बात करूँगा, उनका रिस्पेक्ट भी करता रहूँगा, ये सब ख्याल है मुझे। आई विल ओवरकम माई फियर ऑफ मीटिंग सच ग्रेट मैन, और ऐसे ग्रेट मैन से मिलते वक्त जो डर होता है ना, वो मैं उसको बिल्कुल भी हावी नहीं होने दूंगा। आई विल टेल हिम हाउ आई एम इम्प्रेस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय हिज वर्क एंड अचीवमेंट, और मैं उन्हें ये बताऊंगा भी कि उनसे मैं कितना इंस्पायर हूँ, कितना इम्प्रेस हूँ उनके अचीवमेंट्स की वजह से। तो आई विल गेट द ग्रेटेस्ट जॉय ऑफ माई लाइफ इन मीटिंग सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी, तो मैं जो हूँ वो बहुत ही महसूस करूँगा, ग्रेटेस्ट जॉय भी उसमें लूँगा, मज़े भी लूँगा, और बहुत ही इस मीटिंग को, ऐसी बड़ी शख्सियत के साथ मीटिंग करने की जो खुशी होती है ना, वो पूरी तरह से हासिल करूंगा। अब अगला है यहाँ पे सवाल, यू हैपन मीट अ सक्सेसफुल पर्सन हु इज अ डिसेबल, अगर आपकी मुलाकात किसी सक्सेसफुल पर्सन से होती है जो कि डिसेबल है, राइट एन इमेजिनरी डायलॉग बिटवीन यू एंड हिम हर, यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ द हिंट्स प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे आपको डिसेबल पर्सन का इंटरव्यू लेना है, तो आपको सवालात खुद बनाने हैं इन पॉइंट्स के बेसिस पे। इस पॉइंट पे देखिए क्या है, इंट्रोडक्शन लेना है, वेलकम करना है, ग्रीटिंग करना है, कॉन्ग्रेचुलेटिंग करना है और हॉनरिंग करना है, कॉज रीजन फॉर द डिसेबिलिटी और डिसीजन प्लान, ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन, आइडल्स इन लाइफ, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सपोर्ट इफ एनी, सक्सेस स्टोरीज, एक्म्प्लिशमेंट, अनकंक्लूजन, फाइनल मैसेज इफ एनी, ये सभी पे आपको सवाल जवाब बनाना है। तो देखिए हमने बनाया है यहाँ पे, देखिए इमेजिनरी डायलॉग बिटवीन सुमित आर डिसेबल एंड यू, सुमित जो है यहाँ पर डिसेबल है और आप उनसे सवाल कर रहे हैं। तो माई सेल्फ, अब आप सवाल कर रहे हैं, हेलो सर, नाइस टू मीट यू, आई हैव रीड दैट यू हैव रिसीव्ड द संगीत सम्राट अवार्ड ऑफ आवर सिटी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो माई सेल्फ में वो कह रहा है कि हेलो सर, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और मैंने सुना कि आपको संगीत सम्राट अवार्ड मिलने वाला है, जिसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं दे रहा हूँ। तो सुमित कहता है, यस यू आर राइट एंड थैंक यू फॉर योर गुड विशेस, हाँ आपने ठीक सुना है और आपके मुबारकबाद देने के लिए शुक्रिया। माई सेल्फ, यू आर कन्फाइंड टू द व्हील चेयर एंड बोथ योर लेग्स आर कॉम्पिटेटेड एम्पिटेटेड, वॉट मेड यू डिसेबल्ड। तो माई सेल्फ उनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या आप जो चेयर से जुड़ गए हैं, व्हील चेयर से, तो इसमें जो आपके दोनों पैर हैं वो मतलब बिल्कुल भी काम के नहीं है, तो कभी कभी इसका मतलब होता है कि बदन से अलग भी किए जा सकते हैं, यानी एम्पुटेटेड का मतलब होता है अलग करना भी, तो वो काम नहीं कर रहे होंगे दोनों पैर, ये भी सवाल हो सकता है। तो आप कैसे ये डिसेबल हो गए, ये पूछ रहे हैं। तो सुमित जवाब दे रहे हैं, एट द एज ऑफ 5, जब मैं 5 साल का था, आई वॉज क्रिपल्ड बाय पोलियो, तो मुझे पोलियो हो गया था, द डिसीज वर्क इट्स वे इन टू माई लेग्स एंड दे हैड टू बी एम्पुटेटेड, तो मेरे जो दोनों पैर हैं तब से ही एकदम बेकार मतलब काम के नहीं रहे। आई वॉज कन्फाइंड टू दिस व्हील चेयर सिंस देम, तब से ही मैं इस व्हील चेयर से जुड़ गया हूँ। माई सेल्फ, I wonder how you could achieve such a great feat. Didn't you feel depressed? मैं इतना ताज्जुब खेज हूँ आपकी सक्सेस, यानी ऊंचाई तक आप जो चले गए हैं, तो क्या कभी आप डिप्रेस नहीं हुए? सुमित कहते हैं, डेट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी, ये एक बहुत बड़ी कहानी है, म्यूजिक वॉज इन माई ब्लड, तो ये जो म्यूजिक है वो मेरे खून के अंदर है, माई फादर वॉज अ ग्रेट क्लासिकल सिंगर, मेरे जो अबू थे वो ग्रेट ग्रेट क्लासिकल सिंगर थे, आई यूज टू लिसन टू हिम सिंस माई चाइल्डहुड, और मैं उन्हें बचपन से ही सुनता आया हूँ, ही वॉज माई फर्स्ट गुरु, वो मेरे पहले गुरु हैं। माई सेल्फ, विथ ऑल योर सफरिंग एंड हिज डिसेबिलिटी, वट मेड यू लिव अ नॉर्मल लाइफ एंड हु इंस्पायर्ड यू, वो पूछ रहे हैं कि आपका जो ये सफ़र से गुजर रहे हैं आप, जो तकलीफ से, तो इसमें कौन ऐसा था जो आप
को जिसने इंस्पायर्ड किया। तो सुमित कहता है कि गॉड इज ग्रेट, अल्लाह जो है बहुत बड़ा है, एंड करेज इज अ वंडरफुल थिंग, और जो हिम्मत है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आई वॉज ऑप्टिमिस्टिक, यानी मैं बहुत ही पॉजिटिव सोच वाला हूँ, सो आई फेस द कैलमिटी विदाउट लॉसिंग हार्ट। तो मैंने बड़ी हिम्मत से काम ली, किसी भी तरह से मैंने दिल को हारा नहीं और कमज़ोर नहीं पड़ा और आगे ही बढ़ता गया। और फॉर्चुनेटली यानी किस्मत से वन ऑफ आवर टीचर, एक जो टीचर थे इन आवर स्कूल स्पेशल स्कूल के, जो उनके एक टीचर थे, उन्होंने इंस्पायर्ड किया उनको। ही टोल्ड मी द स्टोरी ऑफ विल्मा रुडोल्फ हु लेग्स वेयर क्रिपल्ड बाय पोलियो। उन्होंने एक कहानी मुझे बताई जो रुडोल्फ विल्मा रुडोल्फ की थी, जिनका पोलियो से उनका पैर जो था वो खराब हो चुका था। इवन देन शी वॉन्टेड टू बिकम द फास्टेस्ट रनर इन द वर्ल्ड एंड शी डिड इट। वो जो थी दुनिया की सबसे बड़ी पहली फास्टर बनना चाहती थी और उन्होंने वह कर दिखाया। शी प्रैक्टिस्ड विथ डिटर्मिनेशन, शी फेल्ड इन मेनी आ रेसेस। उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की जिसके लिए, और कई बार वो नाकाम भी हुई, गॉट अप, फिर वापस से उठी और स्टार्टेड अगेन, और फिर वापस से उन्होंने शुरू किया। द डे केम व्हेन शी रीच्ड रोम फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द 1960 ओलंपिक। 1960 का जो ओलंपिक हुआ था रोम में, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन वुमेन्स रनिंग रेस इवेंट में। कौन सा इवेंट था वो? वुमेन रनिंग रेस के इवेंट में उन्होंने शरीक हुई थी। शी वोन गोल्ड मेडल इन 100 मीटर्स। उन्होंने जीता वहाँ पर 100 मीटर की रेस में, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 200 मीटर्स रनिंग में भी उन्होंने जीता और 400 मीटर्स रिले रेस, डिफीटिंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स। इन्होंने 400 मीटर में भी सबसे आगे वो फर्स्ट आ गए। शी बिकम द फास्टेस्ट रनर इन द देन वर्ल्ड। उस वक्त वो सबसे फास्टर रनर में गिनती में आ गई। द स्टोरी इंस्पायर्ड मी एंड आई स्टार्टेड माई रियाज। मैं मुझे ये स्टोरी इतना इंस्पायर किया कि मैंने अपना रियाज शुरू कर दिया। अनडाउंटेडली फॉर आवर टुगेदर एंड हियर आई एम टुडे। तो मैंने इतना रियाज किया, कई कई घंटों उसमें मैं रियाज करता था, और आप मेरी उस मेहनत को देख ही रहे हैं, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो माई सेल्फ, Could you please tell me about the most memorable day in your career as a music composer? आप अपने ज़िंदगी के यानी म्यूज़िक करियर में जब जब से हैं आप, तब से आपके अंदर कौन सा ऐसा लम्हा है जिसे आप कभी नहीं भूल पाते, हमेशा याद करना चाहते हैं? तो सुमित बताते हैं, यस इट इज़ अनफॉरगेटेबल दैट आई रिसीव्ड माई संगीत सम्राट अवार्ड। तो मैं वो कभी नहीं भूल सकता, मेरा संगीत सम्राट अवार्ड जिसे मुझे दिया गॉड लाइक गुरु पंडित हृदयनाथ मंगेशकर ने, मतलब इनको जो हृदयनाथ मंगेशकर के हाथों से इनाम मिला, ये कभी उसे भूल नहीं पाते। माई सेल्फ, वट आर योर प्लान ऑफ फॉर फ्यूचर? आपका जो आगे का जो मुस्तकबिल में आपका क्या प्लान है, क्या ख्याल है आपका? तो सुमित कहते हैं, आई विल कंटिन्यू माई सर्विस टू म्यूज़िक एंड प्लीज माई फ्रेंड। मैं हमेशा ही ऐसा म्यूज़िक में म्यूज़िक करता रहूँगा और अपने फ्रेंड्स को फैंस को खुश करता रहूँगा। तो माई सेल्फ में कह रहे हैं, वट इज़ योर एडवाइस टू यंगर जनरेशन? तो आपके जो यंगर जनरेशन के लिए आपका क्या सलाह होगा? तो सुमित कहते हैं, कम वट में कोई भी किसी भी तरह से वर्क हार्ड डिटरमिनेंटली। यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि कोई भी हालात हो आपके हाथ जिंदगी में, वर्क हार्ड करना है डिटरमाइंडली, विन ओवर योर फिजिकल और मेंटल कैलमिटीज, और करेजियसली यानी जो भी काम कर रहे हैं उसमें दिल लगा के करना है, हिम्मत से करना है और पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। डोंट गिव अप एंड ट्राई योर बेस्ट टू गेट सक्सेस इन लाइफ। और कभी हिम्मत नहीं हारे, पीछे मत हटे, तो आपको सक्सेस मिलकर ही रहेगी। माई सेल्फ, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड टॉक। बहुत ही आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित कहते हैं, इट्स माई प्लेजर, ये मेरे लिए भी बहुत खास था। अब यहाँ पे लैंग्वेज स्टडीज आ गई हमारी। लैंग्वेज स्टडी में पहला है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमें क्रूएल में एल बचा है, तो एल से हमने बनाया लायर, इसमें ई, ई से बनाया ईगर, आर, आर से हमने बनाया रूड, ई, ई से बनाया एंड,
बी में हम देखेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ नाउन्स। तो नाउन में हमने यहाँ पे मेडिसिन से ई लिया, ई से ईगल, फिर ई, ई से एलिफेंट, फिर टी, टी से टाइगर, आर, आर से रेट। अब सी में हम देखेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ वर्ब। वर्ब से हमें ग्रो से हमने डब्ल्यू लिया, वेक, ई लिया, ईट, टी लिया, टेल, एल लिया, लॉन्ग। अब डी आ गया, डी से हमने यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन एनी वे। अब इनमें से कोई भी वे आप यूज कर सकते हैं। तो फिजिक्स के लिए एस, तो हमने सी ले लिया। अब ई से इलेक्ट्रॉनिक्स, एस से सर्च, एच से होम। तो ये कंप्लीट हो गया। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन टू, ए में हम देखेंगे कन्वर्ट द फॉलोइंग टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऑफ द सेम मीनिंग। अब डॉक्टर हॉकिंस इज अ वेरी हम्बल मैन। वॉट अ हम्बल मैन डॉक्टर हॉकिंस वॉज। तो ये इसका जवाब हो गया पहले का, यानी ए का हो गया। अब बी में हम देखेंगे ही वॉज वेरी क्लम्सी। वॉज क्लम्सी ही वॉज, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेटरी लग गया। सी में हम लगाएंगे ही वॉज वेरी सिंपल एंड इंटेलिजेंट। हाउ सिंपल एंड इंटेलिजेंट ही वॉज, यहाँ देखिए ये जवाब हो गया। डी में हम देखेंगे करेज इज अ ट्रूली वंडरफुल थिंग। वट अ वंडरफुल थिंग करेज इज, ये जवाब हो गए। बी में हम देखेंगे कन्वर्ट द फॉलोइंग टू इंट्रोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म। इंट्रोगेटिव हमें लगाना है, तो पहले में है द प्रोग्नोसिस वॉज बैड। वजंट द प्रोग्नोसिस वॉज बैड, तो यहाँ पे सिर्फ लगाना क्या था, वजंट। अब दूसरे में हम देखेंगे स्टीफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च। डिडंट, डिडंट लगा के सारा देखिए जुमला सेम का सेम है, तो इस तरह से लगाइए। तीसरा है देर आर मेनी पीपल हु डिस्प्ले एग्जाम्पलरी करेज। अब इसमें लगाना है आर से हमने लिया आरंट, देर मेनी पीपल हु डिस्प्ले एग्जाम्पलरी करेज। फोर्थ में हम लेंगे हिज माइंड वुड सोर अप इन टू स्पेस लाइक लाइट। वुडंट, हिज माइंड सोर अप इन टू स्पेस लाइक लाइट। तो यहाँ पे बच्चों हमारे सभी सवाल जवाब, दूसरे पार्ट का भी, पार्ट टू के भी सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। समझ में आ गए, अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बच्चों कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर इंशाल्लाह जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।